अनिल भाई हमारे साथ है। कई बार पब्लिक बोलती है कि अनिल भाई किधर है, उनको कभी भी लेके आया चैनल पे। तो बॉलीवुड क्रेज पे अनिल भाई आपके लिए सर ऐसी लग गई आपको सलार। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सलार देखो आदि पुरुष साहू एंड राधेश्याम, यू कैन ऐड प्लस वन सलार। इट्स अ डिजास्टर, इट्स एन नॉट इवन डिजास्टर, आई एम सॉरी टू से, इट्स एन एपिक डिजास्टर। पहली बड़ी बात, प्रशांत नील की फिल्म है। प्रशांत नील की फिल्म है तो क्या हो गया, राजू हिरानी की भी मूवी लगी बाजू में। इट डजेंट मैटर, कॉन्टेंट इज द किंग। थ्री आवर्स ऑफ मूवी, फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, थ्री आवर्स ऑफ मूवी प्रॉब्लम नहीं है लेंथ से। एनिमल भी थ्री एंड हाफ आवर्स मूवी देखी मैंने, लेकिन थ्री आवर्स मूवी को बढ़ाया गया है वो पिक्चर काट, इनफैक्ट काटने की जरूरत नहीं। जो स्लो एक्शन सीन दिखाए गए, इतने सारे एक्शन सीन स्लो क्यों दिखाए गए, इनफैक्ट हर एक्शन सीन स्लो दिखाया गया, इसलिए पिक्चर बढ़ गई है, वरना दो घंटे ढाई घंटे की पिक्चर है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट, पिक्चर पूरी खाली है और प्रभास सावला है, तो क्या देखो हम लोग। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट बट लेकिन नहीं दिख रहे वो क्लोज, इतना कैमरा लगता है तब तक उसका चेहरा दिख रहा है प्रभास का, साइड से दूर से दिखा रहे, खाली उसकी दाढ़ी दिख रही है, बाल दिख रहे। क्यों ऐसा कर रहे हो, करोड़ों रुपये खर्चा करो तो थोड़ा इस पर खर्चा करो, हर मूवी ब्लैक एंड व्हाइट की जरूरत नहीं है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, श्रुति हसन, मुझे लगता है इनको जाना पड़ेगा हिंदी कोचिंग क्लासेस में, लगता है हिंदी बोलने नहीं आती, समझ में नहीं आती, या तो कमल हसन से डैडी से थोड़ा ट्यूशन लो, पता नहीं क्या दिक्कत है। आई थिंक उनका फर्स्ट सीन ही है वो न्यूयॉर्क से आती है, पता नहीं क्यों आती है वो आती भी तो क्या करती है, लोगों को समझ में नहीं आया। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटेड कैरेक्टर इन द एंटायर मूवी। इवन वी टॉक इन इंग्लिश, सी हाउ यू आर टॉकिंग इट नॉर्मल, हाय हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, और श्रुति सिंह से बात करती, कैन डू दिस फॉर मी, हाउ इज इट गोइंग, व्हाई ये एक्शन क्यों, क्या दिखाना चाहते हो तुम लोग, तुम लोग को शर्म आ रही, तुम लोग इंडियन हो, हिंदी बात करें तुम लोग शर्म आ रही क्या। ये पिक्चर की वैसे तो नहीं जैसे ट्रेलर में श्रुति सिंह करती वेट वेट वेट, अरे दाऊला समझ में नहीं आ रहा। हाँ ऐसा कुछ, वो लास्ट सीन है पिक्चर का एंड दैट वाज वेरी गुड कि पिक्चर का लास्ट सीन खत्म हो गया, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसका इतना सीन ऐसा है, इंग्लिश बात करें इंग्लिश बात करें, ओह गॉड बेस्ट पिक्चर है, क्या लग रहा है, जरा मजा नहीं आया। एंड स्टोरी इतनी कन्फ्यूजिंग है, लोग कन्फ्यूज हो रहे, जो डेली मूवीज देखने वाले लोग समझ पाएंगे कि चलो कहाँ से कहाँ चल रहा है, जो लोग ऐसी मूवी देखने आए चलो मूवी देखने चलते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, यश को यूज़ किया गया, वाई यश को यूज़ किया जाता है क्या। प्रशांत आपके पास ऑलरेडी KGF पड़ा है, अगर शुरू से मूवी देखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है थैंक यू यश, थैंक यू और रॉकिंग स्टार यश, लेकिन यश अंदर है ही नहीं पिक्चर में। Tiger 3 में कैसा होता है कि आफ्टर क्रेडिट ऋतिक रोशन की एंट्री होती है, तो मैं भी रुका था कि चलो इसके बाद शायद कुछ हो, लेकिन साला खत्म हो, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, तो मतलब ये क्या चल रहा है। वन स्टार ओनली फॉर प्रशांत नील, जस्ट वन स्टार, इट्स अ डिजास्टर मूवी, आई विल से अवॉइड इट।